Hi guys, very good morning and I just woke up. अभी बज रहे हैं 8 और मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो आई एम थिंकिंग कि मैं व्लॉग बना लूँ. ऑल्सो मेरा ऑफिस है तो ज़्यादा घर का भी मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँगी. जितना मुझसे हो रहा है मैं बता देती हूँ. सो मम्मी पापा मंदिर होकर आ गए हैं और अभी हलवा और पकौड़ी बना रही है मम्मी. दाल की पकौड़ी बहुत शुभ मानी जाती है वो. सो अभी का अपडेट तो यही है. उसके बाद मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, मेरा भाई भी ऑफिस में है. सो तब तक मम्मी पापा घर पे चिल करेंगे, फिर शाम का प्लान है तो शाम को देखते हैं. शाम को हम सोच रहे किसी कैफे लॉन जाने की, बाकी आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, कोई पास में है दूर. और यस विल सी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो मेरे पापा सुंदर बनने के लिए बाल काले कर रहे हैं. एक्चुअली क्या है, बुढ़ा हो गया हूँ और सारे बाल सफेद हो गए हैं, इसलिए थोड़ा स्मार्ट बनने के लिए थोड़ा कलर कर रहा हूँ ताकि लोग समझे कि जवान है. मम्मी पापा को कह रही है अच्छे से ले, तू बाल ले ये मत डाल. मम्मी को क्या पता, यही तो कंटेंट है, इसीलिए तो पापा के फैन है मेरे. और नानी ने मम्मी को पायल गिफ्ट की थी और मम्मी ने मेरे को सोने की चेन. आज मुझे गिफ्ट मिली है, मेरी वाइफ ने मुझे सोने की चेन गिफ्ट करी है, बट मैंने कुछ नहीं दिया. कितने बेइज्जत हो, कितनी खुशी से बोल रहे हो मैंने कुछ नहीं दिया. एक्चुअली अभी मम्मी का बर्थडे गया था तो पापा ने मम्मी को एक सूट गिफ्ट किया था जो कि मैं ही मम्मी पापा के साथ लेके आई थी. सो वो अभी तक मम्मी ने पहना नहीं है तो मम्मी वो सूट पहनने वाली है. और अभी ये लोग गांव से आए. पहले हमने सोचा था इनको स्टेकेशन का देखें इनके लिए प्रियांशुर में, बट मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया कि हम बहुत थक गए हैं, ये वो, तो हम शायद कैफे ही जाएंगे. चलो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ सारी अपडेट. बाय बोलते पापा. बाय, गुड डे. और ये मम्मी उड़द दाल की पकौड़ी बना रही है. जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं तो एनिवर्सरी पे हमने थोड़ी सी बनाई थी और साथ ही साथ में मीठे में हलवा बनाया था. अगर आपको इस उड़द दाल की पकौड़ी की रेसिपी देखनी है तो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल लूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखना इसकी रेसिपी जानने के लिए. और ये सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं. सो यस, अभी नाश्ते में मैंने बस यही खाया. सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस सो अभी मैंने समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक मैं बाल को खुले करूँ क्योंकि बहुत गर्मी होती है, ऐसे रहने दूँ क्या करूँ, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है. छोटी छोटी ज्वेलरी इज वेरी मस्ट. कमेंट करो खुले बाल रखूं या ऐसे रखूं. अब तुम लोग बोलोगे अब तक तो आप करके चले जाओगे तो फिर बताने का फ़ायदा क्या है. पर दोस्तों अगली टाइम जब मैं पहनूंगी तो जैसा आप बताओगे वैसे ही पहनूंगी. मैं अपनी नोज रिंग से भी बड़ा बोर हो चुकी हूँ, नहीं ले लूँ क्या, पर ये अच्छी लगती है. चटनी है, आप इसको चटनी के साथ, दही के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हो. मेरे को ये सॉस के साथ खाना पसंद है. सो यस, चलो अब एंजॉय करते अपना खाना. पता है जब हमारे गांव में बच जाता है इसकी सब्जी भी बनती है. और ये बात मुझे इसी साल कुछ महीने पहले पता चली जब मैं नानी के घर गई थी तो किसी ने पकौड़ी दी थी तो वो बहुत टाइट हो चुकी थी फ्रिज में. तो नानी ने बोला कि हम पकौड़ी बनाते, वो सब्जी बनाते, और वो इतनी टेस्टी थी ना, मैं पता नहीं. जैसे नॉर्मल सब्जियां बनती है मतलब दाल वाल का तड़का लगता है वैसी, और इसको सब्जी की तरह काट के डाल देते हैं एंड बहुत टेस्टी होता है. इसको आप सांभर के साथ भी खा सकते हो क्योंकि साउथ इंडियन इसको एज ए वड़ा खाते हैं, पर हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में बनाते हैं सब. घुमाओ ना बैग, घुमाओ बैग.
पापा को मैंने बोला ये बैग कम मेरे को खाना दिया करो, इसमें से गिर जाएगा। पापा घुमा घुमा के दिखा रहे कि नहीं गिरेगा। आई एम बैक होम और अभी मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद फिर रेडी शेडी होंगे। अभी अभी तो 6:30 ही हो रहे हैं, तो हम जाएंगे 8:30-9 बजे के करीब। और प्रियांशु आने वाला है, उसका ही वेट कर रहे हैं। अच्छा है। तो अभी हम आ चुके हैं बारकोट में, बाद में फोटो वोटो वीडियोस बाद में जाएंगे, पहले लोकेशन और सीट तक करते हैं। हैप्पी 25th एनिवर्सरी मम्मी पापा। पापा गढ़वाली में कह रहे थे, गुस्से में क्या कर दिया, प्यार से कर। मम्मी अपने 25 साल की बड़ास निकाल दी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू जी। यहीं पे ये समाप्त होता है ब्लॉग। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय। जल्दी करना।